हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार एंड ए वेरी वॉर्म वेलकम टू द चैनल ऑनलाइन शिक्षण। आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का बहुत बहुत स्वागत है। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज से हम शुभारंभ करने जा रहे हैं अपने सुपर टेट 2024 के लिए। इस एक नई सीरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसमें मैं आपको कुछ जो सबसे ज़्यादा मार्क्स गेनिंग सब्जेक्ट्स है उनकी थ्योरेटिकल क्लासेस भी लूँगी। लेकिन वो क्लासेस शुरू करने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप दोनों ईयर के 2018 और 2019 में जो प्रीवियस पेपर है आपके, उनको आप बहुत अच्छे से एनालिसिस कर लें। तो ये काम भी आपके भरोसे ना छोड़ते हुए मैं आपको करा रही हूँ, ताकि कोई भी चूक ना हो और एक बेहतर ढंग से आपकी तैयारी जो है एक बेहतर दिशा में हो पाए। तो आज हमने क्या किया है, आज हमने हिंदी के सारे प्रीवियस पेपर लिए हैं, जिसमें हम सबसे पहले ये एनालिसिस मैं आपको बताऊंगी कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन कौन से ईयर में बने हैं। एंड देन हम सारे के सारे हिंदी के क्वेश्चन करेंगे दोनों ईयर्स में या दोनों प्रीवियस पेपर में जो पूछे गए हैं। ठीक है जी, तो फटाफट से तैयार हो जाइए और देखिएगा कि आप कितने क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाते हैं, आपके हिसाब से इन दोनों पेपर्स का लेवल कैसा था, कितने क्वेश्चन आप कर पाएंगे। तो शुरुआत करते हैं अपने आज की इस शानदार क्लास की। सो गाइस, ये आपके सामने टेबल बनी हुई है जिसमें पूरा एनालिसिस आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर आपके टॉपिक या चैप्टर्स के नेम है हिंदी के सभी, यहाँ 2019 में आए हुए कितने क्वेश्चन इस टॉपिक से और 2018 में इस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं। देखो, आपका हिंदी का जो पूरा विषय है ये 20 मार्क्स का आता है आपके पेपर में। ठीक है, 20 मार्क्स की केवल हिंदी पूछी जाती है, जिसमें से आपके यहाँ पर दो क्वेश्चन दोनों ही ईयर्स में आए हैं अपठित गद्यांश पद्यांश से। इसके साथ 2019 की अगर बात करें, यहाँ पर तो बहुत ही ज़्यादा मार्क्स गेनिंग टॉपिक रहा लेखक और उनकी रचनाएं, यानी साहित्य से, हिंदी साहित्य से संबंधित 5 क्वेश्चन पूछे गए 2019 में, जबकि 2018 में यहाँ से कोई भी क्वेश्चन नहीं आया था। अब हम पेपर सोल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से क्वेश्चन थे। ठीक है, इसके अलावा वाक्य वाले चैप्टर से 2018 में 2 क्वेश्चन पूछे गए, जबकि 2019 में कोई क्वेश्चन नहीं, लेकिन हम सारे चैप्टर्स करेंगे जब थ्योरी करना शुरू करेंगे। संज्ञा से 1 सवाल आया 2018 में, 19 में कोई नहीं। सर्वनाम से भी 1 सवाल बनता है। वर्ण विचार से दोनों ईयर में 1-1 क्वेश्चन पूछा गया है, और विशेषण से भी यहाँ 1 क्वेश्चन बना है 2019 में, 18 में कोई नहीं। लिंग वचन कारक काल से 1-1 क्वेश्चन दोनों ईयर में पूछा गया है। आप चाहे तो इस टेबल को अपनी नोटबुक पे नोट कर सकते हैं, नहीं तो ये पीडीएफ मैं आपको शेयर भी कर दूंगी, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप में, जिसका लिंक मैं आपको क्लास के लास्ट में दूंगी। सो क्रिया से क्वेश्चन आया था 2018 में, 19 में कोई क्वेश्चन नहीं, जबकि प्रत्यय, उपसर्ग, देशज, विदेशज शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों ही साल में 3-4 क्वेश्चन का एवरेज रहा है। देख सकते हैं आप, 2019 में 3 क्वेश्चन और 2018 में 4 क्वेश्चन यहाँ से बने थे। इसके साथ ही ये वाला टॉपिक भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोनों ही साल इक्वली क्वेश्चन पूछे गए हैं, समास, अलंकार और वाच्य से 3-3 क्वेश्चन यहां दोनों ही सालों में पूछे गए हैं। वाक्यांश से भी यहां 2019 में 1 क्वेश्चन, 2018 में 3 क्वेश्चन पूछे गए, जबकि समानार्थक और विलोम शब्द भी 1-1 आता ही है। विराम चिन्ह से 2019 में क्वेश्चन बना, जबकि 2018 में कोई क्वेश्चन नहीं था। रस से 2018 में क्वेश्चन बना, जबकि 2019 में नहीं। तो हम ये सभी टॉपिक करेंगे। ठीक है, कुल मिला के दोनों ही साल में 20-20 क्वेश्चन, यानी 20 नंबर के आपका जो टॉपिक है वो हिंदी ही पूछा गया 20 नंबर का। अब चलिए, अब आ जाते अपने क्वेश्चंस पर। हमने डिटेल एनालिसिस देख लिया है, अब आपके सामने पहला सवाल आपको आंसर करना है बहुत ध्यान से पढ़ने के। क्वेश्चन पूछा गया है, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? तो ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट से ऑप्शन का चुनाव करिए। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, देखो, जो कृदंत प्रत्यय होते हैं ये जो है वो मूल धातु या फिर क्रिया के साथ, क्रिया कह लो या फिर मूल धातु के साथ जो है वो जुड़ते हैं। ठीक है, क्रिया या मूल धातु के साथ जुड़ते हैं कौन? कृदंत प्रत्यय। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। इनको हम कृत प्रत्यय के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? इनको हम कृत प्रत्यय के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आई होप आप कर पाए होंगे। एक बार देख लेते हैं, कृदंत प्रत्यय कौन कौन से प्रकार के होते हैं? तो इनके कुल 5 प्रकार है, कर्तावाचक, कर्मवाचक, करणवाचक,
भाववाचक और क्रियाबोधक। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, ध्यान से देखो, जो व्याकरण जानता है वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको यहाँ पर बताना था। तो फटाफट से आंसर कर दीजिए, अगर आप जानते हैं वैज्ञानिक, व्याकरण, बहुज्ञ या फिर शास्त्रज्ञ। तो बिल्कुल आसान है पहचान करना, देखो कितनी आसानी से हो जाएगी, कि जो व्याकरण जानता हो उसको क्या कहेंगे, व्याकरण कहेंगे, अर्थात व्याकरण का पंडित। ठीक है, ये पूछा गया है वाक्यांश के लिए एक शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे। ठीक है, सरस्वती जो पत्रिका है इसका संपादन कौन करते थे या इसके संपादक कौन थे। ऑप्शन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र या बाल मुकुंद गुप्त। तो सही आंसर क्या होगा, अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, महावीर प्रसाद द्विवेदी जो है सरस्वती पत्रिका के संपादक थे। ठीक है, ये जितनी भी इंपॉर्टेंट बुक्स है ना, जितने भी ऑथर्स है, जितने भी साहित्य की महत्वपूर्ण किताबें हैं, पुस्तकें हैं, उनको मैं ट्रिक से आपको बहुत बेहतरीन ढंग से कवर कराऊंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा आपको कब में इतने सारी बुक्स याद हो गई। ठीक है, तो विश्वास रखिएगा खुद पर भी और मुझ पर भी, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। तो सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे, महावीर प्रसाद द्विवेदी। यह कैसी पत्रिका थी, मासिक पत्रिका थी, और इसका प्रकाशन शुरू होता है इलाहाबाद से 1900 ईस्वी में। ठीक है, और 1903 में महावीर प्रसाद द्विवेदी इसके संपादक हुए, तथा भाषा के स्तर को और उसके प्रेरक के रूप में इस पत्रिका को जो है वो स्वर प्रदान किया इन्होंने राष्ट्रीय चेतना का, किसने, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। अगला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चिदंबरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार किस लेखक को प्राप्त हुआ। यानी कहने की बात यह है कि चिदंबरा जो है ये किसकी रचना है, यही आपसे साफ साफ पूछा गया है। ठीक है, और आपको इसी क्वेश्चन से ये भी पता चल जाता है कि चिदंबरा को मिला है ज्ञानपीठ पुरस्कार। देखो ये किस किस को ज्ञानपीठ या साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, ये भी मैं आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से ट्रिक से कवर करा दूंगी जब मैं आपकी क्लासेस कराऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम सारे के सारे सब्जेक्ट्स के इसी तरीके से एनालिसिस करके प्रीवियस पेपर देखेंगे, देन हम क्लासेस पर जाएंगे। तो फटाफट से आंसर आ जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी, सुमित्रा नंदन पंत को मिला था, कब, 1961 में। ठीक है, 1961 में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, महान शब्द में अगर त्व प्रत्यय लगा दे, त्व प्रत्यय जोड़ दे, तो कौन सा शब्द बन जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि भैया प्रत्यय कद कहाँ जुड़ते हैं, मूल शब्द के अंत में जुड़ते हैं, कहाँ, अंत में, यानी बाद में जुड़ते हैं। तो मूल शब्द यहाँ है महान, महान के बाद में त्व जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, महान्य, बिल्कुल नहीं, महत्ता, जी नहीं, महती नहीं, ये बनेगा महत्व। कितने आसान क्वेश्चन आपके पेपर में आए थे पिछले वाले, आप देख करके ही अंदाजा लगा सकते हैं कितना आसान पेपर रहा होगा। नेक्स्ट है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है, यानी आदिकाल को ये किस नाम से, क्या नाम दिया इन्होंने आदिकाल को, वो आपसे यहाँ पर पूछा गया। ऑप्शन देखो फटाफट से, बीज वपन काल, आदिकाल, वीरगाथा काल या चारण काल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बीज वपन काल। ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को बीज वपन काल की संज्ञा जो है वो दी। अगला है, हिंदी शब्द किस भाषा से लिया गया है। तो ये यहाँ पर तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज जो है शब्दों की बात हो गई है ना। तो ये विदेशी शब्द है हिंदी, हिंदी कोई हिंदी का शब्द नहीं है, ये विदेशी शब्द है। और कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया गया है फारसी भाषा से। ठीक है, हिंदी अपने आप में फारसी भाषा का शब्द है, समझ में आया, बहुत बढ़िया। जिसका अर्थ क्या होता है, हिंदी यानी हिंद से संबंधित। ठीक है जी, चलो आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन आपके सामने तत्सम से आ गया फिर से, कि इनमें से, इन चारों में से तत्सम शब्द कौन सा है। अब तत्सम शब्द कौन से होते हैं जो संस्कृत से एज इट इज ले लिए गए हो। ठीक है, जो संस्कृत से एज इट इज ले लिए गए हो, जिनमें कोई बदलाव ना किया गया हो, वे हमारे तत्सम शब्द होते हैं। आंख, पांव, गांव, ग्रह, इनमें कौन से हो जाएंगे। देखो, तत्सम शब्द के ऊपर कभी भी चंद्र बिंदु नहीं आता है, अगर चंद्र बिंदु आता है तो वो तद्भव होता है। ठीक है, ये एक पहचानने का तरीका भी है। तो बचा कौन सा, ऑप्शन नंबर डी, ग्रह, ग्रह एक तत्सम शब्द है। ठीक है, आगे बढ़े।
आज की क्लास में टोटल 40 क्वेश्चन हैं हमारे। 40 क्यों है? क्योंकि 20 क्वेश्चन तो आपके 2019 वाले पेपर के और 20 क्वेश्चन हैं आपके 2018 वाले पेपर के, यानी दोनों ही पेपर आज की वीडियो में आपके कवर हो जाएंगे। अब दिया गया है आपसे गद्यांश। गद्यांश से यहाँ पर फटाफट से पढ़ते हैं। हमारा जीवन पाखंड में बन गया है और हम इसके बिना नहीं रह सकते। किसके बिना? पाखंड करने के बिना, है ना, पाखंड के बिना नहीं रह सकते। अपने सार्वजनिक जीवन अथवा निजी जीवन में कहीं भी अगर हम देखें तो एक दूसरे को छलने की कला का खुलकर उपयोग हम करते हैं। इसके बावजूद यह विश्वास करते हैं कि हम ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं, है ना। हम इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं जिसकी उस अवसर पर कोई भी आवश्यकता नहीं होती है। हम किसी भी बात को यह जानते हुए कि वह सत्य है या सत्य नहीं है, लेकिन उसके प्रति निष्ठा या विश्वास इस तरह से प्रकट करते हैं कि जैसे हमारे लिए वह एकमात्र सत्य है। हम यह सब इसलिए सरलता से कर लेते हैं क्योंकि आज पाखंड और दिखावा हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन गया है। आज हम लोगों में से अधिकांश की स्थिति मुंह में कुछ और मन में कुछ वाली बन गई है। बिल्कुल। तो अब हम चलेंगे और देखेंगे क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है, हमने जीवन का अभिन्न अंग किसे बना लिया है? तो अभी हमने ऊपर देखा, हम किसके बिना नहीं रह सकते? पाखंड और दिखावे के बिना नहीं रह सकते, है ना। हमने इसी को अपने जीवन का अंग बना लिया है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भैया? ऑप्शन नंबर बी, पाखंड और दिखावे को हमने अपने जीवन का अभिन्न अंग बना लिया है। अगला देखो, छलने की कला को हम किस प्रकार उपयोग करते हैं? ऑप्शन ए खुलकर, ऑप्शन नंबर बी आवश्यकता अनुसार, ऑप्शन नंबर सी पूरी निष्ठा से या सरलता से। छलने की कला का उपयोग हम कैसे करते हैं, चलो देखते हैं कहाँ है छलने की कला का प्रयोग हम कैसे करते हैं पूरा। यहां पर आप देखेंगे इस वाली लाइन को कि एक दूसरे को छलने की कला का खुलकर उपयोग करते हैं। तो कैसे उपयोग करते हैं? खुलकर। तो क्या खुलकर ऑप्शन में था? जी हाँ, पहला ही ऑप्शन है, खुलकर उपयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर ए। आगे है अगला क्वेश्चन, बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी, इनमें जो ये पंक्तियां दी गई है कौन सा अलंकार है? तो देखो, जहां पर उपमेय का उपमान में, जहां पर उपमेय का उपमान में अभेद आरोप हो उसी को हम कहते हैं रूपक अलंकार। जैसे यहां पर अंबर को क्या बता दिया? पनघट बता दिया कि भैया जो अंबर है, आसमान है, वो क्या है? पनघट है ना। और तारा क्या है? वो घड़ा है, घट है यानी घड़ा है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर अभेद आरोप हो रहा है उपमेय का उपमान में, तो यहाँ हो जाएगा रूपक अलंकार, ऑप्शन नंबर डी। जब मैं आपको अलंकार सिखाऊंगी तो ये भी बताऊंगी उपमेय क्या है, उपमान किसे कहते हैं, सारी चीजें बहुत अच्छे से डिस्कस होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। अगला है, जदपि सुजाति सुलक्षणी सुबरन सरस सुव्रत भूषण बिनु न बिराजई कविता बनीता मित। इस अलंकार को परिभाषित करने वाली पंक्तियां किस कवि की है? यहाँ पर आपसे कवि पूछा गया है कि कौन से कवि ने ये पंक्तियां लिखी है, तो ये लिखी गई है केशव दास जी के द्वारा, ठीक है। ये एक रीति काल के प्रमुख कवि थे केशव दास, तो ये इनके द्वारा लिखी गई क्या है, पंक्तियां हैं, केशव दास। आगे आ जाता है, आपको टोटल बताना है लास्ट में कि इन 40 क्वेश्चनों में से आप कितने कर पाए खुद से, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है, पर्यायवाची नहीं है, ध्यान देना, नहीं पूछा है। तो वीणा पाणि बिल्कुल होता है, भारती ये भी होता है, वागदेवी ये भी हम सरस्वती माता को कहते हैं, जबकि जानवी हम सरस्वती माता को नहीं कहते, ये हम गंगा मैया को भी कहते हैं जानवी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है, ये गंगा का पर्यायवाची होता है, ठीक है। देवनदी सुरसरिता जानवी भागीरथी मंदाकिनी ये सब किसके है? जानवी के। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मैं हम तू तुम ये शब्द क्या है, ये कौन सा स्वरनाम है, है ना। मैं हम तू तुम ये कौन सा स्वरनाम में आएंगे? संबंधवाचक स्वरनाम में बिल्कुल नहीं, अनिश्चयवाचक में तो कोई, है ना, कोई कुछ इस तरीके से आ जाता है, प्रश्नवाचक में कौन,
कहाँ कब ये सब आ जाएगा, ठीक है। और पुरुषवाचक स्वरनाम में के ही ये भेद होते हैं, मैं हम तू तुम, है ना। पुरुषवाचक स्वरनाम में पुरुषवाचक स्वरनाम के भी तीन भेद होते हैं, उत्तम, मध्यम और अन्य, ठीक है, जिसमें मैं, हम, तू, तुम ये सभी आ जाएंगे पुरुषवाचक स्वरनाम सर्वनाम में। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से महाप्राण व्यंजन कौन से है। तो महाप्राण कौन से होते हैं भैया, महाप्राण व्यंजन होते हैं प्रत्येक वर्ग के, कौन कौन से वर्ग, वर्ग होते हैं हमारे पांच, के, चे, टे, ते और प। ये पूरी वर्णमाला को हम पांच वर्गों में बांटते हैं। जब मैं आपको वर्णमाला का चैप्टर पढ़ाऊंगी तो इसको बहुत अच्छे से बताऊंगी, ठीक है। तो वर्णमाला का वो सॉरी प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या होता है, महाप्राण होता है ना। यानी जो दूसरे और चौथे नंबर पर आएगा, जैसे क के बाद क्या आता है, ख, ग, घ, है ना, इस तरीके से। तो यहाँ पर आप देखेंगे ख और घ ये दूसरे और चौथे नंबर पर आए हैं। तो इसी तरीके से हर एक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या होता है, महाप्राण होता है। तो क देख लो, क तो पहले नंबर पर आ गया, तो ये महाप्राण नहीं होता, ये अल्प प्राण होता है, इसलिए ये वाली सीरीज तो गलत हो गई। दूसरा ऑप्शन देखो, ख बिल्कुल सही है, च के बाद छ दूसरे नंबर पर आता है, बिल्कुल ठीक है, ट के बाद थ दूसरे नंबर पर आता है, त, थ, प, फ, ये सारे के सारे ही दूसरे नंबर पर आ रहे हैं, यानी ये महाप्राण है ये वाला वर्ग, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा, ठीक है। और महाप्राण में श्वास की जो है अधिक मात्रा निकलती है जब हम इनका उच्चारण करते हैं, इन वर्णों का। चलो जी आगे बढ़ते हैं। जब प्रथम शब्द संख्यावाची और दूसरा शब्द संज्ञा हो तो कौन सा समास होता है। भैया देखो, पहला शब्द अगर संख्यावाची हो तो ये पहचान होती है कौन से समास की, द्विगु समास की, जैसे तिरंगा, तीन रंगों का समहार, है ना, या तीन पंचभुज, पांच भुजाओं का समूह, चौराहा, चार राहों का समूह। तो ये चार, पांच, तीन, ये क्या है, संख्यावाची है पहला शब्द, तो वो हो जाता है हमेशा द्विगु समास। अगला है, तुम मांसहीन, तुम रक्तहीन, हे अस्थिशेष, तुम अस्थिहीन। देखो क्या कहा यहाँ पर, पहले तो कह दिया कि तुम अस्थिशेष, कि तुम्हारे अंदर सिर्फ अस्थिशेष है, और फिर कह दिया तुम अस्थिहीन, कि तुम्हारे अंदर अस्थि नहीं है। तो क्या कहना चाह रहा है, यानी हमें बहुत विरोधाभास हो रहा है, हम समझ नहीं पा रहे क्या कहना चाह रहा है ये कवि, जिसने भी ये लिखा है ना, बहुत ही कभी कह रहा है अस्थिशेष, कभी कह रहा है अस्थिहीन, है ना, यानी कन्फ्यूजन में ला रहा है। तो ऐसे अलंकार को जहाँ पर इस तरीके से कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाए, विरोध विरोध का आभास हो, है ना, तो उसमें होता है विरोधाभास अलंकार। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा योजक चिन्ह है। फटाफट से सारे ऑप्शन देखो और बताओ कौन सा योजक चिन्ह है। तो ऑप्शन नंबर सी में ये वाला जो डैश वाला चिन्ह होता है, इसको हम योजक चिन्ह कहते हैं, ठीक है, थीके? चलो, और योजक चिन्ह किस लिए काम आता है, ये भावों और विचारों को स्पष्ट करने के लिए जो है वाक्य के बीच में इसको हम प्रयोग करते हैं। आगे बढ़े, अब आ जाते हैं हम, देखो 2019 वाले जो क्वेश्चन थे अभी वही चल रहे हैं, वही चार से पांच क्वेश्चन और बाकी है, ठीक है। आगे है, बुद्धिमान संवर्ग किस संवर्ग में आता है, यानी कि इनमें से किस वर्ग में आएगा जो बुद्धिमान है। क्या ये संज्ञा शब्द होता है, बिल्कुल नहीं, है ना, संज्ञा तो किसी स्थान स्थान जाति या किसी मानव के नाम को, है ना, किसी व्यक्ति स्थान या इन सब के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। तो ये किसी का नाम तो है नहीं। क्या विशेषण है, किसी की विशेषता बताता है, हाँ बिल्कुल बताता है, विशेषण है ये, क्यों, क्योंकि हम कई बार कह देते हैं बुद्धिमान लड़का या बुद्धिमान व्यक्ति, है ना, तो व्यक्ति की या लड़के की विशेषता किसने बताई, बुद्धिमान ने, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, विशेषण हो गया। ऑप्शन नंबर बी एकदम सही है। बताओ कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा, फटाफट से आंसर आ जाना चाहिए कमेंट बॉक्स में, कौन सा कवित्री यहाँ पर सही लिखा है, कवित्री बिल्कुल नहीं, कवियत्री बता दीजिए, बिल्कुल नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी की स्पेलिंग बिल्कुल ठीक है, कवयित्री, ठीक है, यहाँ पर छोटी की मात्रा और त्र पर बड़ी की मात्रा आती है, यहाँ पर यही सही स्पेलिंग है कवयित्री, ये बहुत पूछा जाता है। आगे बढ़े, अब आ जाते हैं आपके 2018 वाला पेपर, ठीक है, 2018 वाले, एक बार जूम कर लेती हूँ मैं इसको। अच्छा, ये बात तो आप सभी जानते होंगे कि जो 2018 वाला पेपर आपका हुआ था ये डिस्क्रिप्टिव था,
कैसा था? डिस्क्रिप्टिव था, यानी क्वेश्चन पूछ लिया उसका आंसर आपको अपने शब्दों में लिखना था, है ना। इसमें मल्टीपल चॉइस तब तक नहीं आया था ये वाला पैटर्न, ये 2019 में जाके ही शुरुआत हुई। तो यानी यहाँ सिर्फ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ऑप्शन नहीं होंगे क्योंकि ऑप्शन दिए नहीं थे, आपको अपने आप से इसका आंसर लिखना था। तो है ना, कितना मजेदार बात। चलो इसको भी देखते हैं फटाफट, क्वेश्चन यहाँ भी बढ़िया पूछे गए थे, मजेदार। सबसे पहले गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और उसका आंसर देना है। चलो फटाफट से पढ़ते हैं। मनुष्य के लिए साक्षरता की सर्वाधिक आवश्यकता है। निरक्षर व्यक्ति अपना विकास नहीं कर सकता। परिचय तंत्र की सफलता के लिए उसके नागरिकों का साक्षर होना आवश्यक है। साक्षरता प्रतीक है किसका? स्वतंत्रता एवं विकास का। यदि इस अभियान की सफलता और विफलता का निष्पक्ष दृष्टि से विश्लेषण करें तो हमें पता चलता है कि यह अभियान जन जागृति लाने में सफल रहा है। इस अभियान को सफलतापूर्वक चलाना चाहिए। तो यहाँ आपके सामने क्वेश्चन आ गया है कि परिचय तंत्र की सफलता के लिए क्या आवश्यक है, बता दीजिए फटाफट से। प्रजातंत्र की सफलता के लिए क्या आवश्यक है, क्या हमें इस गद्यांश को पढ़कर के समझ में आया? तो प्रजातंत्र, इसमें आप कैसे लिखते कि प्रजातंत्र की सफलता के लिए क्या है, उसके नागरिकों का साक्षर होना आवश्यक है। ये मिल गया हमें हमारा आंसर, तो ऐसे आपको आंसर करना था। आगे देखो, अपठित पद्यांश अभी दिया गया है। दम्भ का जहां जहां पड़ाव था, सत्य से जहां जहां दुराव था। वह चला कि अग्नि बाण मारता, पाप की आह आह उजाड़ता। वज्र बन गिरा गिरे विचार पर। तो यहाँ आपसे पूछा है अग्नि शब्द का तद्भव रूप क्या होगा, बताओ जी। भले ही आप इस पद्यांश को पढ़ते भी ना, तब भी इस क्वेश्चन का आंसर दे देते, बता दो अग्नि का तद्भव रूप क्या होगा। अग्नि एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या हो जाएगा? आग हो जाएगा, है ना, आग हो जाएगा। तो ये हो जाएगा इसका सही जवाब। अगला क्वेश्चन है, चौराहा में कौन सा समास है। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हमने इससे पहले वाले पेपर में देखा कि जिसमें भी पहला पद संख्यावाची होता है वो होता है हमारा द्विगु समास। क्या होता है? द्विगु समास होता है। तो बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर द्विगु समास, क्योंकि चौराहा चार राहों का समूह, क्या हो जाता है? द्विगु समास। अगला है, फिर से आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि जिसके हाथ में चक्र हो उसके लिए एक शब्द आपको बताना है। तो जिसके हाथ में चक्र हो उसको हम क्या कहते हैं? चक्रपाणि कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? चक्रपाणि कहते हैं, चक्रपाणि कहते हैं जिसके हाथ में चक्र हो। अगला क्वेश्चन है, फिर से तत्सम शब्द आपसे पूछा है, कंघी का तत्सम क्या हो जाएगा। तो कंघी का तत्सम शब्द क्या होता है? कंघी का तत्सम शब्द होता है कंकति। क्या होता है भैया? कंकति होता है। क्या आप ये जानते थे, बताओ एक बार कमेंट बॉक्स में, आपको पता था कि कंकति होता है? अगला है, व्यू का विलोम शब्द। देखो यहाँ विलोम शब्द पूछा है, बिना ऑप्शन के आपको खुद से लिखना था। तो व्यू का विलोम शब्द क्या होता है? अव्यू होता है, ठीक है, अव्यू। तो अव्यू होता है व्यू का विलोम शब्द। राम का घर दूर है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो यहाँ आपसे कारक से सवाल पूछा है, जबकि 2019 में कारक से कोई क्वेश्चन आया था, योजक चिन्ह वाला, भूल गए क्या? तो बताओ फटाफट से, वो चिन्ह से था ना कि कारक से? कारक से कर्ता ने, कर्म को, करण से, ये वाले कारक, इनकी बात हो रही है। तो राम का घर दूर है, तो राम का घर, राम का और घर के बीच में ये का शब्द क्या बता रहा है? संबंध बता रहा है। क्या बता रहा है? संबंध। तो इसमें कौन सा कारक हो जाएगा? संबंध कारक हो जाएगा। अगला है, मैंने कहा होगा, किस प्रकार का ये वाक्य है? तो मैंने कहा होगा, यानी श्योर नहीं है कि कहा है या नहीं, है ना। तो इसमें कौन सा वाक्य हो जाएगा? संदेह, यानी हमें संदेह है, हमने कहा कि नहीं, है ना। तो ये संदेहवाचक वाक्य हो जाएगा, संदेहवाचक। नेक्स्ट है आपके सामने, अस कही कुटिल भई उठी ठाड़ी, मानहू रोष तरंगिनी बाड़ी। में मानहू के द्वारा कौन सा अलंकार बनता है? ये आप सभी को पता होगा, ये होते हैं वाचक शब्द, मन है, मानू, जन है, जानू, इनसे पहचान करी जाती है अलंकार की। अगर किसी अलंकार में मन है, मानू, जन है, जानू ये शब्द आ जाते हैं तो वहां आपका कौन सा अलंकार देखने को मिलता है? वहां आपका मिलता है उत्प्रेक्षा अलंकार। कौन सा अलंकार होता है यहाँ आपका? हो जाता है आपका कौन सा?
उत्प्रेक्षा अलंकार, ठीक है। ये मैं आपको जब अलंकार सिखाऊंगी तो बहुत अच्छे से बताऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, इसमें भी 20 क्वेश्चन पूछे गए थे हिंदी के, तो फटाफट से बताओ। वह अपना सर खुजलाता है, सिर खुजलाता है, वाक्य कैसा है, क्या ये सकर्मक है या अकर्मक है, बता दीजिए फटाफट से। भैया देखो, यहाँ पर वह अपना सिर खुजलाता है, जो कर्म हो रहा है, कर्म का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, कर्ता पर। अगर कर्म का प्रभाव सॉरी यहाँ पर खुजलाने का जो एक कर्म हो रहा है, इसका प्रभाव किस पर पड़ रहा है, सिर पर, है ना। तो यहाँ पर इसका मतलब कर्म है तो ये सकर्मक हो जाएगा, ठीक है, सकर्मक है। आगे है वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो यहाँ पर आपसे रस से, रस वाले टॉपिक से क्वेश्चन बना है, बहुत आसान सा। तो वीर का होता है उत्साह, उत्साह वीर का स्थायी भाव होता है, वीर रस का। उन्मेष में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो उन्मेष का जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो कैसे करेंगे, बता दीजिए एक बार फटाफट से। उन्मेष का संधि विच्छेद करके एक बार मुझे बताओ, तो इसका संधि विच्छेद हम करेंगे यहाँ, ये हो जाएगा उत्धन मेष, ठीक है, उत्धन मेष। तो यहाँ पर उपसर्ग क्या निकल के आया, उत, तो इसमें उत उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। जिसके पास तुरंत सोचने वाली शक्ति हो, यानी जो बहुत हाजिर जवाब हो, जैसे ही आपने प्रश्न किया तुरंत आंसर उसका कर दिया, उसको क्या बोलते हैं, प्रत्युत्पन्नमति बोलते हैं, ठीक है, प्रत्युत्पन्नमति, ठीक है, प्रत्युत्पन्नमति बोलते हैं, ये प है प में र, ठीक है, प्रत्युत्पन्नमति बोलते हैं, जिसके पास तुरंत सोचने की क्या होती है, क्षमता होती है, यानी कह लो शक्ति होती है। संसार शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो इसको हम विच्छेद करेंगे तो हमारे पास उपसर्ग आ जाएगा, कैसे करेंगे, समधनकार, समधनकार, तो उपसर्ग कहाँ मिला, ये मिल गया, तो इसमें सम उपसर्ग है। सृष्टि का तद्भव शब्द क्या हो जाएगा, तो इसका तद्भव होता है सौंठ, ठीक है, सौंठ को हम संस्कृत में सृष्टि कहते हैं। मुझसे उठा नहीं गया, तो ये जिस इस तरह के जो वाक्य होते हैं, मुझसे उठा नहीं गया, मुझसे बैठा नहीं गया, मुझसे चला नहीं जाता, ये सभी भाववाच्य होते हैं, ठीक है, भाववाच्य ये होते हैं, तो भाववाच्य है इसमें। अगला है पर्वत के ऊपर की जो समतल भूमि होती है उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं दोस्तों अधिपत्य का, ठीक है, अधित्य का बोलते हैं पर्वत के ऊपर की समतल भूमि को। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिखावट शब्द में किस प्रकार का प्रत्यय है, तो देखो प्रत्यय से तीन क्वेश्चन आगे इस पेपर में, तो बता दो फटाफट से। लिखावट तो कैसे विच्छेद करेंगे इसका, लिख मूल धातु हो गई, धन इसमें आवट प्रत्यय जुड़ा है, तो आवट इसमें क्या हो जाएगा, प्रत्यय हो जाएगा। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है काला सागर में कौन सी संज्ञा है, काला सागर क्या ये किसी सागर की जाति का नाम बता रहा है, नहीं, ये एक इकलौता ऐसा सागर है, मतलब ये इसका नाम है, इस सागर का नाम है काला सागर, तो यानी ये एक एकमात्र है, ठीक है, तो जो भी अपने आप में एकमात्र होता है, कोई स्पेशल जिसके बारे में बात करी जाती है ना, तो उसको हम, वो कौन सी संज्ञा में आता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी इसमें। लास्ट है प्रधानमंत्री में कौन सा समास हो जाएगा, तो प्रधानमंत्री में प्रधान है जो मंत्री, यानी मंत्री की विशेषता बता दी प्रधान ने, तो इस तरह ये विशेष्य और विशेषण किस में आते हैं, ये आते हैं आपके कर्मधारय समास में, कर्मधारय समास में जो पूर्व पद होता है, विशेषण होता है, और जो ये बाद वाला पद होता है, ये क्या होता है, विशेष्य होते हैं, जिसकी विशेषता बताई जाती है, तो इसमें होता है कर्मधारय समास की ये पहचान है। तो हमने कंप्लीट कर लिए हैं अपने क्या, सारे के सारे क्वेश्चंस, 40 क्वेश्चन हमने बहुत अच्छे से दोनों पेपर के कवर कर लिए हैं। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी और चीज़ें बहुत ढंग से, बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी, ठीक है। सो गाइज, अगर आपको क्लास पसंद आई है और आप चाहते हैं कि पूरे पेपर का मैं इस तरीके से एनालिसिस कराऊं हर एक टॉपिक का, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए, तभी इनको फटाफट से कवर कराने के बाद मैं आपकी थ्योरी वाली क्लासेस को स्टार्ट करूंगी। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।